मोड़ी को भजिया, मोड़ी को बाप, कम से कम माम दस लोग आते हैं भाई यार, भजिया माम सरपंच और कहाँ गए, कम मेहमान आता है भाई के फूफा लगाते है सरपंच सरपंच बोला पुलिस प्रशासन रहते रोज। तो आपकी क्या मांग है उसमें? हमारी मांग जी सरपंच के खिलाफ करंट में एफआईआर दर्ज हो। भिंड जिले में युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक खड़ीत गांव का रहने वाला था। उसका शव गांव से 20 किलोमीटर दूर अटेर थाने के खिफोना गांव में एक शख्स के घर के आंगन में मिला है। घटना के बाद से परिजन और युवक के गांव के लोगों में आक्रोश है। वे पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल के सामने शव रख कर बैठ गए। इससे भिंड के इंदिरा गांधी चौराहे पर रात में लंबा जाम लग गया। इस दौरान करीब रात 1 बजे तक जाम लगा रहा। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि खड़ीत गांव के रहने वाले अमित पुत्र रामकिशोर कटारे का शव खिफोना गांव के करू बिचोलिया के घर पर मिला। मृतक के परिवार ने करू बिचोलिया समेत 4 लोगों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। गांव के सरपंच पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप है। क्या मामला का सरपंच नाम ना लिख रहे? सरपंच ने मोड़ा मारो है, क्या दिक्कत आई है? सरपंच ने मोड़ा मारो है, सरपंच नाम ना लिख रहे, भैया जी वहाँ पैसा है तो गाँव का सरपंच होता ही। कौन से गांव का मामला भैया? खिफोना को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटनाक्रम क्या रहा इसमें? घटनाक्रम बाइस से मोड़ा खींच के लेके अंदर, मोड़ी को भज्जिया, मोड़ी को बाप, कम से कम माम दस लोग आते हैं भाई यार, भज्जिया माम सरपंच और कहाँ गए, कम मेहमान आता है भाई के फूफा लगाते है सरपंच सरपंच मोड़ा पुलिस प्रशासन रहते रोज। तो आपकी क्या मांग है उसमें? हमारी मांग जी सरपंच के खिलाफ करंट में एफआईआर दर्ज हो। क्या नाम है सरपंच? ठीक है, क्या नाम बताओ? विनोद यादव। विनोद यादव, विनोद यादव का लड़का था, मरी डेड बॉडी में बैठ दी है उसने। कितने लोगों ने मिलकर मारा है? करीबन 10 लोगों ने, 8 से 10 लोगों ने बॉडी को मारा होगा, अलग समझ में आ जाएगी। आप देखो कैमरा, तो चाकू चालू कर ले। काई से मारा है? बेल्ट फेल बेल्ट जाने काई का पेट्रोल लगा के जूतन ने मरी है। बेल आपका लड़का हो, आप ऐसे वीडियो बनाओगे? मिर्चें भरी है, बताओ बताओ सर। लाल मिर्च पेट्रोल डाल रही है, पाइप डाल रही है जूतन में। तुम कलेक्टर हो, एसपी हो, तुम तो मैं दबाई लेगा, मतलब नेतागिरी है जी। पर सरासर जब नाम आ रहा है, स्पष्ट नाम लिखो ना मामे, एसपी जी बोल रहा है, विवेचना में लिख ले। विवेचना में लिख ले, विवेचना में क्या लिख ले? मैं कितनी विवेचना में लिख लो, विवेचना में लिखी ना सामने सब टाइम सामने सब टाइम। 4 बजे को केस है तो, अरे 4 बजे का कोर्ट के 4 बजे का में तो कोई विवेचना नहीं है भाई। ये बेल आ रहे हैं तो अभी का बेच के मैंने अपना मोड़ा बेच रहा है आज तक। तो अभी का में क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम है विष्णु उपाध्याय। ये थाना के अंतर्गत एक लड़के की लगभग 23 वर्ष का करके है, उसकी मृत्यु हुई है। चूँकि उसके प्रथम साक्ष्य हत्या के मिले थे, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके जो 3 आरोपी बताए गए थे और जिनके संबंध में साक्ष्य थे उनको राउंड अप किया गया है। और अभी इसी बात को लेकर चूँकि पीएम की प्रक्रिया चल रही है, उनके परिजनों की कुछ आशंकाएँ थी जिसके संबंध में वो वार्तालाप कर रहे हैं और उनको हमने समाधान किया है और जिससे वो संतुष्ट। किस बात को लेकर हत्या ही हुई है? क्या कैसे मारा है? कैसे मारा है? प्रथम दृष्टया तो मारपीट के आधार पर चल रहा है, पर पीएम के बाद ये स्पष्ट होगा कि किस आधार पर स्वीकार। तो सर क्या घटना, वजह क्या रही इसके पीछे सर घटना? वजह अभी इसमें पूर्ण साक्ष्य आने बाकी है। बाकी ऐसा प्रथम दृष्टया पता चला है कि वो लड़का किसी के घर में एंटर किया था, जिसको लेकर जो नॉन एंट्रेंस एविल था उसमें एंटर किया था, तो वो फिर उसको लेकर उनके परिवार द्वारा मारपीट। सर अभी परिजनों में आपने क्या आपसे कहा है कि नहीं उनके घर के जमीन जुज के बारे में क्या है? ये मैटर एक्चुअली ये संपत्ति के संबंध में, अगर अवैध कोई संपत्ति है तो उसके निर्धारण करना प्रशासन का कार्य, प्रशासन देखकर फिर उसको कर।